यशोमती मैया के भावुक होंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं भैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं, उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? भाई हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना से आना है मेरा लल्ला? वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। वृंदावन में बेड तो मिलेंगे ना? आप चुप चुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाता है रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। समय में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा भानु, वहाँ पहुँचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहाँ पहुँचे, उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुलवासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, पर आपके सट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़िया से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि है प्राप्ति, ओ विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए
अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा, क्या सोच रही हो? प्रभु केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का उतना झटका तोर तनावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का, अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ कहां भाग कर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु, पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ो था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा, कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, पर इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। क्या जी मेरा स्वप्न तो ना है ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है, कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? सभी का स्वागत है। जी, ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल
जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिंजी, जिंजी देखो ना आपने, हाँ ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी, वो चाहते थे कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ, और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। आभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो, पतिदेव होने का धर्म निभाओ। यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया।
मैंने कछु ना किया है सदा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। दीवारों पे बनाई थी और जे भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहां जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। ये चित्र पूरा करते हैं। यदि ओखल यहाँ है तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग वही बिछौना सब कुछ तो वैसा ही है। चमत्कार होगा, वही रसोई वही पात्र वही मटकिया और वही आधा उठा हुआ दूध और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से खिकी खिकी करने लगे दोनों दोनों। बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए।
क्या देख रहे हो अब? जाओ सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना, ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई।